तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में दो फिल्म में लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे पुश मूवी की आइटम सॉन्ग लेके एक छोटा सा अपडेट सामने आया, वो अपडेट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एंड उसके साथ महेश बाबू माना कर दिया प्रशांत नील की मूवी को, इसके पीछे भी क्या स्टोरी है वो भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो रेड कलर का बटन है वो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिल्मी जो भी नया अपडेट लेटेस्ट न्यूज सामने आते हैं मैं कोशिश करता हूँ बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। प्लीज चैनल को लाइक और कमेंट करके बने रहना। चलिए आज की पहली स्टोरी पुष्पा मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी अला वाईकुंडापुरम इतना सक्सेस मिलने के बाद पुष्पा मूवी लेके काफी हाइप है दर्शक के मन में। एंड इस मूवी की सबसे खास बात यह कि एक आइटम सॉन्ग रहेगा, लेकिन वो आइटम सॉन्ग फर्स्ट पार्ट में रहेगा या सेकंड पार्ट में रहेगा। और कुछ दिन पहले मीडिया खबर से पता चला कि प्रोड्यूसर चाह रहे कि इसी मूवी की सेकंड पार्ट में वो आइटम सॉन्ग रहे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में रहेगा या सेकंड पार्ट में रहेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये मूवी रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज सामने आया कि इसी आइटम सॉन्ग में दिखाई देगा दिशा पटानी को। हाँ जी दोस्तों, और वो गान रहेगा चिरंजीवी की कोई एक मूवी का सॉन्ग। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले अल्लू अर्जुन एक मूवी के अंदर चिरंजीवी की गान में परफॉर्म किया है, एंड फिर से पुष्पा मूवी के अंदर उन्होंने चिरंजीवी की किसी एक गान में परफॉर्म करने वाले हैं। स्टोरी के बारे में बात करते हैं। प्रशांत नील सभी को बताया वो बहुत एक डिमांडिंग डायरेक्टर बन चुका है केजीएफ मूवी रिलीज होने के बाद से। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी प्रशांत नील के हाथ में हैं। केजीएफ चैप्टर 2 तो आ रहा है, उसके साथ साथ प्रभास के साथ सलार मूवी कर रहे, जूनियर एनटीआर के साथ भी एक मूवी करने का न्यूज सामने आया था। एंड उनका हर मूवी बड़े बड़े स्केल में भी बनने वाले है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है साउथ की बड़े स्टार महेश बाबू प्रशांत नील की एक मूवी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हाँ जी दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद उन्होंने महेश बाबू के पास गया था एक स्क्रिप्ट लेके, एंड उसके बाद महेश बाबू को वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया था, उन्होंने डायरेक्ट मना भी कर दिया था। एंड उन्होंने और भी बताया कि अगर प्रशांत नील के पास और कोई अच्छा खासा स्टोरी रहेगा तो महेश बाबू के पास फिर लेके आ जाना, उन्होंने कोशिश करेंगे प्रशांत नील के साथ मूवी करने के लिए। लेकिन वो स्टोरी किसके पास गया अभी तक पता नहीं चला मुझे। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ही। बस आप लोग किसी चैनल के साथ बने रहना, देखते रहना फिल्मी गाय। टेक केयर, बाय बाय।